आरा शहर के डीएम कोठी रोड स्थित गोविंद अपार्टमेंट में चल रहे 8 दिवसीय भागवत कथा में छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आयोजन हुआ। भागवत कथा के व्यास मथुरा वृंदावन के कथावाचक पूज्य श्री विधि शरण देवाचार्य जी महाराज ने पंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महाराज में 5 अध्याय है, उनमें गाए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच प्राण है। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भागवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक पूज्य श्री विधि शरण देवाचार्य जी महाराज ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जीव परमात्मा का अंश है। इस भागवत कथा का आयोजन गोविंद अपार्टमेंट निवासी समाज सेवी विजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। आयोजक विजय सिंह ने बताया कि 8 दिवसीय भागवत कथा में पूज्य श्री विधि शरण देवाचार्य जी महाराज वृंदावन मथुरा के द्वारा प्रवचन किया जा रहा है। इस आयोजन में रोजाना प्रातः पूजन और संध्या प्रवचन का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा में मनीष सिंह, राजीव सिंह, इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, किशोर पाठक, रणविजय जी, अनिल श्रीवास्तव, रमेश ठाकुर, राजीव रंजन सिंह, अजय सिंह, रंजीत सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। श्रीमद् भागवत कथा का 6ठा दिन है, आज क्या प्रसंग चल रहा है, किस तरह? आज शादी विवाह रुक्मणी और कृष्ण जी का शादी का प्रसंग चल रहा है। आज कौन, अब किस दिन पूर्णाहुति होगी? 8 तारीख को पूर्णाहुति होगी। ऐसे तो कल को हवन है और 8 तारीख को भंडारा है जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। मेरा विजय कुमार सिंह, गोविंद अपार्टमेंट। कितने बजे से आयोजित होगा? 12 बजे से चालू करते हैं। कहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित है? ये गोविंद अपार्टमेंट नियर डीएम गोठी। ऐसे तो मैं रहने वाला धनुपुरा का ही हूँ लेकिन मैं यहाँ फ्लैट लिया हूँ और इसमें मैं करा रहा हूँ। बड़े आदमी तो भी अपने आप को बड़ा कहता ही, इसलिए तो भागवत हमें भी कह दिया। धन विधा आयु रिहा बल विधा अस्तिम च, ज्ञान विधा अस्तिम च, किंचिरा। इसलिए बड़ा नहीं छोड़ा का सुख और साध से ही प्राप्त होता है। इसलिए मन में कभी भी ऐसा होते कि हम बड़ा तो वहां वही पे उसको दबा दिए, बड़ा नहीं हम छोटा है। इसीलिए तो किसी ने कहा है मंत्री के इस कथा अमृत स्मार का आप लोग सेवन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु की विशेष कृपा होती है, प्रभु की विशेष कृपा होती है तो भक्त इस रसपान का सौभाग्य उठा पाते हैं। और विशेष से जब व्यक्ति विशेष का पुण्य का उदय होता है तब इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का निज आवास पर यह पावन आयोजन किया जाता है, जो कि दिनों से रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो महाराज श्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगा। आप सभी नहीं जानते, महाराज श्री लगातार अभी हमारे आने से पूर्व ये बता रहे थे कि